10:45 a.m. in the morning. I'm at office at Noida. I had to travel actually, 1.5 hours at least to reach the office because I live at Saket. So let's start with the topic first, right? Number one question जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कि कैसे आप Google पर अपनी Google My Business listing कर सकते हैं अपना business grow करने के लिए. उससे भी बड़ा सवाल है कि Google My Business पर जब आप listing करते हो तो listing करते वक्त address डालना क्या mandatory है, right? तो हम इसके बारे में बात करेंगे. और उससे भी बड़ी बात, अगर address मान लीजिए नहीं डालते हैं तो क्या लिस्टिंग अप्रूव होगी, और अगर रैंक और अगर अप्रूव हो भी जाती है तो वो रैंकिंग में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी जिन पे एड्रेसेस नहीं होते हैं या जिन पे एड्रेसेस होते हैं उनके लिए, राइट? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. मेरा नाम है शशांक श्रीवास्तव, आई एम द co-founder ऑफ PIMS, a digital marketing institute in Noida. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स टुडे, राइट? कल हमने बात करी थी एक दूसरे टॉपिक के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स के बारे में. तो माई बिजनेस लिस्टिंग्स आई गेस ऑलमोस्ट अब सबको पता होगा जो भी इंटरनेट मार्केटिंग वर्ल्ड में है. अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ. गूगल पे लोकली अगर आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप्स नियर मी या फिर एनी क्लॉथिंग स्टोर, राइट, इन साकेत और इन नोएडा, सो यू विल फाइंड समथिंग नियर बाई यू. वहाँ पर होता क्या है, ऊपर या तो आपको टॉप पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं, और एडवर्टीजमेंट्स अगर आपको नहीं दिख रहे हैं मे बी, तो उसके नीचे आपको एक मैप का पैक दिखता है. जहाँ पर आपको मैप दिखता है गूगल का, उसके नीचे तीन रिजल्ट्स होते हैं और नीचे होता है चेक मोर, राइट? एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है क्या बोलते हैं पॉइंटर्स को, बट वहाँ पर आपको मैप में तीन डिफरेंट बिजनेसेस दिखते हैं, जिसमें जो टॉप पे बिजनेस होता है मोस्ट प्रोबेबली आप उसी पे क्लिक करते हो, अनलेस कि उसके टाइटल में कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं क्लिक करना चाहो, करेक्ट? सो वहाँ पर उस केस में होता क्या है, सबसे पहला सवाल उसको आप कैसे करते हो, तो आप जाते हो google.com/mybusiness पे, और वहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर पाओ गूगल पे. मेरा आपसे कहना है कि अगर आप गूगल पे अपना बिजनेस अभी तक नहीं लिस्ट कर पाए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप अभी कर लो, वरना कोई और आपके नाम पर बिजनेस लिस्ट कर देगा और आपके कस्टमर्स को वो ग्रैब कर सकता है बहुत आसानी से. तो इट्स लाइक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा, राइट? सो यू नीड टू डू दिस थिंग राइट नाउ. आप अगर आपके बिजनेस की लोकल लिस्टिंग नहीं है अभी तो आप कर लीजिए google.com/mybusiness पे जाकर, राइट? नेक्स्ट थिंग वी आर कमिंग अप हेयर विथ कि जब आप वहाँ पर लिस्ट करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे. या तो आप अपना फिजिकल एड्रेस वहाँ पर इनपुट करिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको करना चाहिए. इन केस यू डोंट हैव एन एड्रेस तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एड्रेस नहीं डालना है. एड्रेस नहीं डालना है तो आपको एड्रेस नहीं पूछेगा. देन यू कैन वेरीफाई विथ मैसेज, फोन नंबर, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, राइट? नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपने एड्रेस नहीं डाला तो रैंकिंग्स में क्या अंतर आएगा. रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आएगा सबको पता होगी. अगर गूगल पे आप मैप पैक में टॉप पे नहीं आ रहे हो या सेकंड पे या थर्ड पर नहीं आ रहे हो तो उसके नीचे नोबडी क्लिक्स ऑन चेक मोर. जैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद कोई भी सेकंड या थर्ड पेज पे जाना नहीं चाहता, राइट? सो यू नीड टू बी ऑन द फर्स्ट पेज एंड ऑन द फर्स्ट स्पॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो वहाँ पर रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा क्लिक्स चाहते हैं. तो वहाँ पर अगर आपको रैंक नहीं हो पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप बेहतर जानते हो, राइट? मेरा आपसे कहना है कि अगर आप अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में एड्रेस नहीं डालते हैं उस केस में भी आपका बिजनेस फर्स्ट पोजीशन पे रैंक हो सकता है. दैट्स राइट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल के बहुत सारे मेट्रिक्स हैं, स्पेशली लोकल सर्च में भी, जो आपको फॉलो करने हैं, जिसमें आपको एडवांटेज मिल सकता है और जो बाकी बिजनेस हैं उनसे बेटर आप कर सकते हो, राइट? आई हैव माय कॉफ़ी हियर. ऑलराइट, सो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर जाइए. आप अपने बिना एड्रेस के भी लिस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको नहीं दिखाना एड्रेस तो, बट मेरा रिकमेंडेशन है आप ज़रूर करो एड्रेस के साथ, राइट? सपोज आप नहीं करते हो तो आपको एडिशनल स्टेप्स क्या करने हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले. नंबर वन थिंग इज़ आपको उन एरियाज़ के नाम डालने हैं जहाँ पर आपके बिजनेसेस हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, लोकल लिस्टिंग का मतलब होता है लोकल, मतलब नियर बाय रिजल्ट्स. अगर आप दिल्ली रह रहे हो और आप डाल रहे हो सर्विसेज में आपके एरिया ऑफ सर्विसेज में कि आप गुड़गांव, आप गाज़ियाबाद, आप हापुर और
मानेसर या फिर इस तरह की यू नो डिस्टेंट लोकेशंस हैं जो कि दिल्ली के बाहर हैं, आप उनको यू नो टारगेट करना चाहते हो तो ऐसे नहीं चलेगा, वहाँ पर इनसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरा सजेशन है, जैसे मैं साकेत रहता हूँ, साकेत राइट दिल्ली में, तो साकेत से नियर बाई एरिया से मालवीय नगर राइट, या फिर आप यू नो इवन इन इवन गुड़गांव से पहले अगर आप बात करो, जैसे आपको गुड़गांव का बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ पर आप उनको सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन डाल सकते हो राइट, सिकंदरपुर भी एक यू नो कनेक्टिंग पॉइंट है, या फिर आप MG रोड डाल सकते हैं वहाँ पर सर्च में, या फिर आप नियर बाई दिल्ली के अंदर में ही लाजपत नगर, इस तरह की लोकेशंस जहाँ पर कुछ प्रीमियम कस्टमर्स आपको आसानी से मिल पाएँ, आप उन लोकेशंस को वहाँ पर बुक करिए और आप इजीली रैंक हो सकते हैं राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है, आपको रिव्यूज़ लेने हैं क्लाइंट्स से अपने अपने बिजनेसेस जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो उनसे, और आपको जेन्युइन रिव्यूज़ लेने हैं विथ अ बिट लॉन्ग रिव्यू इंक्लूडिंग फ़ोटोज़। अगर आप रिव्यूज़ ले रहे हो अपने कस्टमर से, एक डिटेल रिव्यू जिसमें आपकी सर्विसेज भी आ जा रही है, सपोज़ आई एम सर्विसिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग राइट, सो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे क्लाइंट्स लिखें कि यू नो शशांक प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ग्रेट सर्विसेज इनटू डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स एंड ही हेल्प मी यू नो मोनेटाइज माय वेबसाइट विथ हिज SEO स्किल्स एंड काइंड ऑफ स्टफ। सो उसमें क्या होगा ना, आपके कीवर्ड्स आएंगे एंड दैट रिव्यू शुड बी एटलीस्ट 50-100 वर्ड्स, जो क्लाइंट नॉर्मली नहीं देते हैं, उनको टाइम लगता है राइट। सो यू कैन हेल्प देम राइट अप दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आस्क देम कि सर आप इसको रिव्यू करके फिर पब्लिश कर दीजिए, आस्क देम टू पोस्ट सम पिक्चर्स। सो आप अपने क्लाइंट्स के साथ फोटोज क्लिक करिए। पहले होता था थोड़ा सा इनफॉर्मल कि आप क्लाइंट से हाथ नहीं मिला सकते हो, आप फोटो नहीं खींच सकते हो, बट डोंट वरी, गो हैड विद दैट और आप बड़े ही आराम से उस चीज़ को कर सकते हो राइट। सो उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल फोटो खींचे, शेक योर हैंड्स, टॉक टू देम, फ़ोन पे बात करिए, ट्राई टू मेक द एक्सपीरियंस बेटर राइट, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड थिंग इज रिव्यूज़, आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इट विल हेल्प यू नो सी मोर इनटू द पब्लिक और गूगल आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कीप ऑन अपडेटिंग पिक्चर्स, पोस्ट, फोटोज़। अभी गूगल पे ना पोस्ट डालने के भी ऑप्शन है, अपडेट डालने के ऑप्शन है, तो मेक श्योर आप उस पॉइंट को मिस मत करें, क्योंकि आपने अगर उस चीज़ को मिस करा तो ट्रस्ट मी कोई और आपका कॉम्पिटिटर आके ऊपर आ जाएगा। इफ़ यू हैव अ वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को भी वहाँ पर मेंशन करिए एंड मेक श्योर अगर आपकी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग का टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर SEO सर्विसेज या फिर कुछ भी रिलेटेड टू, आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंडस्ट्री माइनस, यू कैन टॉक अबाउट योर इंडस्ट्री, आप उसको टाइटल में तो यूज़ करिए गूगल माई बिजनेस के। इसके साथ ही साथ आपका जो वेब पेज है, वेबसाइट का होम पेज है जो आप अपने GMB लिस्टिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप कोशिश करिए उस टाइटल को यूज़ करिए। अगर वो होता है तो गूगल मेंशन करता है आपके लिस्टिंग्स पे कि दिस पेज हैज़ दिस पर्टिकुलर टाइटल एज वेल। उसमें क्या होता है कि आपकी सर्च विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है और आपके पास और ज़्यादा क्लिक्स आते हैं और ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं और ज़्यादा आपको लीड्स कन्वर्ट होती हैं राइट। सो आप इन चीज़ों को ट्राई करिए, बहुत सारे और इंटरनल टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट दिस टुडेज़ वीडियो वॉज कि क्या आप बिना एड्रेस के रैंक करा सकते हो। My answer is yes, 100% you can rank your listing on the top without even an address, right? But make sure aap apni listing complete fill karo, proper optimize karo, including your keywords, and make sure aapke users bhi aapko wo reviews dein jo aap expect kar rahe ho, correct? So signing off from here, and hopefully this video is useful to you. If it is, please share and do also subscribe to our YouTube channel. Thank you.